दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला भागवत वाड़ी में बंद पड़े कई वर्ष पुराने महादेव के मंदिर में विश्व सनातन संघ द्वारा साफ सफाई कर महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना की गई। यह मंदिर मुस्लिम बहुल एरिया में होने के कारण पूजा अर्चना करने कोई हिंदू नहीं जाता, ऐसी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर मिश्रा ने दी। इस अवसर पर यश दुबे, मोहन घोड़के, लोकेश चितनविस, निखिल राउत, ऋषि कोगदे, अभिजीत, हरीश डिकुंटवार, विशाल पवार आदि युवा उपस्थित थे। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच जिले के विविध केंद्रों पर होगी। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो तथा परीक्षा केंद्र के आसपास कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या न आए, इसलिए जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने परीक्षा केंद्र के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। स्थानीय LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स अकोला के NCC यूनिट प्रमुख लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल तिरकर को डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला रक्षा राज्य मंत्री कमेंडेशन कार्ड पुरस्कार घोषित किया गया है। DGNCC द्वारा जारी नोटिफिकेशन हाल ही में उन्हें प्राप्त हुआ। अकोला शहर में होने वाले धार्मिक प्रार्थना स्थल व धर्मशालाओं का संपत्ति कर पुनर्तः माफ करने के साथ ही घर कुल लाभार्थियों के घर कुलों पर लगा 2 वर्ष का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभा में लिया गया। मूर्तिजापुर से नागपुर के लिए चने के बोरे लेकर जाने वाला MH40BG9328 क्रमांक का एक ट्रक हैंड्स फाटे समीप बुल्ढाणा बन वेयर हाउस समीप एकाएक पलट गया। ट्रक में बैठा एक व्यक्ति इस दुर्घटना में घायल हो गया। अकोला महानगरपालिका में एक के बाद एक सभाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकाल खत्म होते होते एक और सर्वसाधारण सभा आयोजित करने का निर्णय सत्तादल ने लिया। 14 विषय एजेंडे पर लेकर जम्बो सर्वसाधारण सभा का 8 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजन किया गया है। बुधवार को बाजार में सोयाबीन को 5600 से 8000 रुपए तक भाव मिले। भाव अच्छे मिलने से कुछ किसानों ने बाजार में माल उतारना शुरू किया है। 2 मार्च को 2240 क्विंटल सोयाबीन की आवक रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए आगामी दिनों में खाद्य तेलों के दामों में और इजाफा होने की संभावना व्यक्त की जा रही। अकोला के सराफा व्यवसायी मुंडगांवकर ज्वेलर्स ने निवेशकों को अधिक ब्याज देने का झांसा देकर लगभग 14 करोड़ से ठगा है। बीती रात अकोला की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने अमरावती रेलवे स्टेशन से मुंडगांवकर ज्वेलर्स के 2 फरार प्रमुख संचालक अमोल विजय मुंडगांवकर एवं उदय विजय मुंडगांवकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। न्यायालय ने उन्हें 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। अकोला तहसील की गुडग्राम पंचायत बिरसिंहपुर में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए तानखेड़ निवासी अरुण धर्माजी घरदे ने पंचायत समिति से जिलाधिकारी कार्यालय तक लुढ़को आंदोलन किया। महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन जारी है, जिस कारण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के करीब 130 प्राध्यापक, सहयोगी व सहायक प्राध्यापक इस आंदोलन में सहभागी हुए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।